आप सभी लोगों को सलमान खान और गोविंदा की जबरदस्त जोड़ी तो याद ही होगी, जो हमें पार्टनर मूवी में देखने को मिली थी। पार्टनर मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों का भरपूर प्यार भी देखने को मिला था। और बहुत लंबे समय के बाद बहुत ही जल्द इस फिल्म का सीक्वल भी बनने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पार्टनर मूवी का सीक्वल जल्द ही बनेगा, पर अभी फिल्म को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। ना ही इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई अपडेट है और ना ही फिल्म की स्टोरी की, पर यह तो खबर पक्की है कि हमें फिर से वही जोड़ी दोबारा से देखने को मिलने वाली है। वैसे तो इस फिल्म को पहले ही रिलीज हो जाना था, लेकिन गोविंदा और फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था, इसीलिए फिल्म को आगे धकेल दिया गया था। और अब दोनों के बीच में सब नॉर्मल है, इसीलिए अब पार्टनर मूवी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। फिल्म की कास्टिंग में सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी देखने को जरूर मिलेगी और हो सकता है कि फिल्म में दोबारा से कैटरीना कैफ भी देखने को मिले। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म में हमें वही पुराने वाले डायरेक्टर ही देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि डेविड धवन। फिल्म के लिए हमें अभी काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान खान अभी अपनी टाइगर 3 मूवी में बिजी हैं। और बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो अभी फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है और फिर फिल्म की शूटिंग में लगभग 8 महीने तक का समय लग सकता है, यानी कि ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। पर अब देखना तो ये होगा कि डेविड धवन इस फिल्म में हमें क्या दिखाने वाले हैं। ऑडियंस भी इस फिल्म की कब से मांग कर रही है, और कॉमेडी मूवी के लिए ऑडियंस तो हर समय तैयार रहती है। पार्टनर मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।